Hello, future officers. My name is Rohit Garcha, and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2,200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affair sorted hai, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now, this video is part one of the series जहाँ पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. हाँ जी, मज़ा आ रहा है तैयारी में? अब तो काफ़ी अंदर तक आ गए हो तैयारी के आप लोग, है ना? थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ होगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं. अच्छा, किन किन ने फर्स्ट टाइम लिखा था आंसर जो अभी सबमिट हुआ था लास्ट टाइम? आपका तो वो छोटे वाला पेज था, है ना? ठीक है, यादगार रह गया. ठीक है, आपने भी आई थिंक फर्स्ट टाइम लिखा था आंसर. और कौन कौन है फर्स्ट टाइम वाला? किसने एक भी नहीं लिखा एक बारी वो भी बताई दो मेरे को फिर. अच्छा, आप तो नहीं आए हो अभी, है ना? कोई नहीं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, बैठो अभी. तो कुछ कुछ रोड ब्लॉक्स हिट हो रहे होंगे आंसर लिखते हुए. लेट मी अगेन रिमाइंड यू इन द पोलाइटेस्ट वे पॉसिबल, लेट मी फ्रेम द वर्ड्स. एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक के अंदर पोलाइटनेस मिसिंग होती है ना? एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बाय सम टाइम टू फ्रेम दैट. नहीं मिल रहा है मुझे, मैं तो फिर ब्रूटली हो जाता हूँ. ऑल ओवर इंडिया हर एक बच्चे के पास में सेम कंटेंट है, सो स्टॉप गिविंग द इंफॉर्मेशन इन द आंसर्स. आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है, कंटेंट सबके पास बराबर है, क्वेश्चन की डिमांड ही कुछ और होती है हमेशा, राइट? सो कुछ कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है आंसर और एक तरफ को अब लगते हुए दिख रहे हैं कि जो पूछा जा रहा है उसकी तरफ जाना है. जब आप आंसर्स लिख रहे होते हो बच्चे, फॉरगेट कि कुछ कंटेंट या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है उसको, आपने जो पूछा गया है उसको आंसर करना है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कंटेंट. इवन फ्यू क्वेश्चंस हैड वेरी गुड कंटेंट इन द सेंस कि उन्होंने कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जो एक क्वेश्चन में तो वो मैंने भी नहीं पढ़ी हुई थी कहीं, राइट? बट वो वहाँ पे रेलिवेंट थी, आप समझ रहे हो? तो इसका जो एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में जो आया है ऊपर ऊपर से इज दैट कि आप ना क्वेश्चन को दो या तीन से ज़्यादा बार पढ़ा करो. ट्राई टू ट्रांसलेट इट कि वो पूछना क्या चाह रहा है, राइट? और जैसे एक कॉमन सा ग्राउंड निकला, जैसे वो फिनटेक वाला क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन था कि अ स्ट्रॉन्ग फिनटेक सेक्टर इज द ओनली वे फॉर अ प्रूडेंट पर्कुलेशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसी एनालाइज. एंड ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स बिगेन विद एक्सप्लेनिंग व्हाट द फिनटेक सेक्टर इज, राइट? और फिनटेक सेक्टर अगर आप एक्सप्लेन करने में घुस गए तो आपका आधा पेज तो लगेगा ही लगेगा, है ना? या तो वर्ड स्ट्रांग रखो और एक लाइन में बता दो कि फिनटेक क्या है, है ना? अदरवाइज उसमें ये ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सोच के देखो, सवाल वो बोल रहा है कि आपकी एक फिस्कल पॉलिसी है, RBI है, उसने एक MPC बनाई है, वो बताता है कि आपका पैसा किस तरीके से सर्कुलेट होने वाला है, वो पॉलिसी क्या रहेगी, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आज हम यहाँ पे रजिस्टर्स बेचने शुरू कर दें और रजिस्टर की कॉस्ट 10-20 रुपए होगी तो आप लोग फटाफट खरीदने शुरू कर दोगे. नाउ दैट इज़ माय पॉलिसी, जिसने आपके थ्रू जो आपके जेब में पैसा था उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया. नाउ दैट इज़ माय पॉलिसी, राइट? सो ऐसे ही आपकी RBI कुछ कुछ पॉलिसीज बनाती है जिससे पैसा इधर उधर होना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल, वो आपका रेपो रेट कम कर देगी तो उसमें क्या होगा, जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा लोन, मतलब वो बेसिकली पंप करना चाह रही है पैसा इकॉनमी के अंदर. वो डियर मनी पॉलिसी कर देगी, रिवर्स रेपो रेट जो है उसमें हेर फेर करेगी, रेपो रेट को कम कर देगी, राइट? तो इसका मतलब वो मनी कम करना चाह रही है. तो ये बोल रहा है कि इस सारी पॉलिसी को आप तक ट्रांसलेट होने के अंदर फिनटेक सेक्टर इज द ओनली वे, वो ये बोलना चाह रहा है. उसको पता है फिनटेक सेक्टर क्या है. एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स व्हाट द फिनटेक सेक्टर इज, राइट? आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फिनटेक क्या है, उसमें रिस्क क्या होते हैं, उसमें ये क्या होता है, उसमें वो क्या होता है, पूछा ही नहीं है.
आपको पता है वेल एंड गुड है, पर वो पूछा नहीं है, राइट? तो आप थोड़ा सा सोचा करो कि पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद में अब दो तरीके से आंसर बन सकता है कि येस इट इज़ दी ओनली वे, इसकी भी हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, नो इट इज़ नॉट दी ओनली वे, इसकी भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, राइट? पर आपको एक किनारे लगना पड़ेगा। लेकिन अगर फिनटेक में घुस जाते हैं तो अब क्लियर कट इसके अंदर दो तरीके के आंसर मिले मेरे को, राइट? एक था कि एक ने तो फिनटेक सेक्टर क्या है वो एक्सप्लेन कर दिया पूरा, क्या होना चाहिए था, इट मींस कि व्हाट इज मेंट बाय प्रूडेंट परकुलेशन। अगर हम वहां से इस क्वेश्चन को घुमाएं कि प्रूडेंट परकुलेशन का मतलब क्या है और फिनटेक सेक्टर इसके अंदर क्या रोल कर रहा है, उस तरफ को जाएगा वो आंसर, राइट? बाकी उसके बाद में फिर हम ओनली वे के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि ओनली वे है या नहीं है। दिस इज हाउ यू फ्रेम एन आंसर, राइट? एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर हेयर इन द सेंस कि हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। दिस इज द प्रोसेस जो आपका रैंक बनाएगा, राइट? बाकी तो ऑल ओवर इंडिया कंटेंट सेम है, वही बोल रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट भी आप डालोगे तो कहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये इधर उधर से सारी चीज़ें वही हैं, सेम ही है। कंटेंट PI भी निकालता है, राइट? उसी को अखबार छापता है, उसी के ऊपर कमेंट्रीज आती हैं, अल्टीमेट सोर्स PIB और दो चार चीज़ें ही होती हैं, राइट? तो आपका कंटेंट पूरा है, डोंट वरी अबाउट दैट। इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो। अगर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, एब्सोल्यूट एग्जामिनेशन नहीं है, यू डोंट हैव टू स्कोर एब्सोल्यूटली हाई। तो कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे गोलमोल, है ना, जैसे वो रसगुल्ला टाइप, है ना, जैसे बंगाली लोग बोलते हैं ना, तो गोल गोल आएंगे बीच में आपको कुछ कुछ चीज़ें, है ना? तो वो सभी को गोल गोल होएंगी, वो ही है जहाँ पे आपके मार्क्स बनेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो तो बेसिक है वो सबके लिए बेसिक है, उसमें मिलेंगे ही 3, 3.5, 4 नंबर मैक्स सबको। वो देखा आपने, एक ग्राफ बनता होता है जब रिजल्ट आता है ना, तो एवरेज स्कोर का एक ग्राफ बनता होता है कि GS1 में इस बार एवरेज स्कोर कितना रहा, GS2 में कितना रहा, GS3 में कितना रहा, GS4 में कितना रहा। तो जब आप टॉप रैंकर्स के मार्क्स देखते हो ना, तो उससे 20 नंबर की रेंज में ही सबके मार्क्स होते हैं। अगर एवरेज स्कोर 90 है किसी में, तो जो टॉपर्स होंगे या तो उनका स्कोर 70 और 110 के बीच में होगा, राइट? तो मैं जो चाह रहा हूँ कि हम ना हायर एंड पे रहें, वही गेम है। अदरवाइज वो नॉर्मलाइज ही करते हैं सब कुछ ना, उसमें कोई भी एक्सट्रीम पे नहीं जाता है, राइट? तो वो नॉर्मलाइज कैसे होगा? अब हमने हायर एंड पे कैसे जाएंगे हम, वो इन चीज़ों से है। अगर रेगुलर सा आंसर लिख दिया आपने सिर्फ करने के लिए, राइट, तो रेगुलर से मार्क्स आ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? पर्सनैलिटी लेके कुछ कुछ आंसर्स में पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यही है फिनटेक सेक्टर इज दी ओनली वे, राइट, तो लिख नहीं सकते क्या हम ओनली वे के ऊपर? हालांकि रेडिकल है, पर अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग डाल दिया इसके अंदर कि इट इज दी ओनली वे, और आपने प्रूव कर दिया कि यही ओनली वे है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ट्राई किया था, हमारे इससे पहले फिनटेक सेक्टर नहीं था, राइट? और हमारी फिस्कल पॉलिसी तब भी थी, हमारी फिस्कल पॉलिसी आज भी है, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, राइट? अब परकुलेशन ज़्यादा है, तो यही है जी ओनली वे, इधर को ही आना पड़ेगा, अब चाहो ना चाहो इधर को ही आना पड़ेगा। तो हम किधर को भी लेके जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जब बच्चे आते भी हैं वहाँ पे फीडबैक के लिए, तो आई डू नॉट प्रोवाइड यू विद एन आंसर, बिकॉज इसमें कुछ होता नहीं है राइट आंसर, आपका जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए, करेक्ट? अदरवाइज ठीक लग रही है तैयारी, मज़ा आ रहा है? अगेन वन मोर रिमाइंडर, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ गोइंग ऑन। द डेंसिटी ऑफ लर्निंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, इट इज एट द पीक। अगर एक बेल ग्राफ बनेगा तो आप अभी पीक पे चल रहे हो उसके, राइट? तो मेक मोस्ट ऑफ इट। और जो खुद को और दूसरों को बहाने दे रखे हैं आपने मन में कि क्यों नहीं हुआ, ये नहीं है, उतार के फेंक दो, नोबडी इज इंटरेस्टेड एंड नोबडी विल गेट अफेक्टेड अदर देन यू, ठीक है? चलिए जी शुरू करें। डॉक्यूमेंट नहीं मिला, डॉक्यूमेंट है भी एक्स्ट्रा, कितने कम है? अच्छा शुक्र है, एक और नहीं चाहिए, वरना आपको कम से कम गणेश जी होना पड़ता है ना, वो मतलब चल रहा है सीजन तो बोल दिया। शी वाज रेजिंग बोथ द हैंड्स, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट चाहिए। यार तुम लोग ना फनी नहीं हो यार खुश रहा करो, किसी को नहीं चाहिए वहां पे, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ ये बात। सारे दुखी से उदास चेहरे, नोबडी वांट्स, खुश रहो, आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए सब कुछ, मतलब अगर वही है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड व्हाट यू आर, सीधी सी बात है। यू कैन प्रिटेंड फॉर सम टाइम, है ना, क्योंकि आपको राइट चीज़ें पता है।
अच्छा एक आगे भी फॉरवर्ड कर देना प्लीज यहाँ पे। हो गया पूरा? दो तीन और चाहिए। एक तो यहाँ तक पहुँचा दो यार, मुक गए। अच्छा आप इनसे शेयर कर लो डॉक्यूमेंट साथ में, या किसी पेज पे लिख लो, लेट्स बिगिन विद द क्लास, आज थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 3 से शुरू करते हैं फिर हम पहले, उसके लिए डॉक्यूमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आरती बच्चे इनसे शेयर कर देना, एक बार दिखा देना इनको जो ना। तो ये एक इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, राइट, जिससे हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्टेटस क्या चल रही है, राइट। तो ये इंडिया का इंडेक्स होता है ये, और इसके अंदर पॉइंट बेस्ड होता है, राइट, वेर इसमें लिखा हुआ है बच्चे सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, 0 रिप्रेजेंट्स कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है ही नहीं, एक्सेस बहुत लिमिटेड है, एंड 100 इंडिकेट्स फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबके पास एक्सेस है उसका, राइट। हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो यही कि FII फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन देता है, दैट इज RBI, राइट। इस संडे को वो आ रहा है, आई थिंक HPAS का एग्जाम है, भरा हुआ है, आई थिंक अक्टूबर में है ना, ये इस संडे ही है, हाँ, तो लेट्स सी इस बार क्या आता है पेपर में। आई गेट वेरी एक्साइटेड जब भी हिमाचल का कोई एग्जाम आता है ना, वो कुछ भी होता है उसके अंदर, सो इट्स ऑलवेज फन टू लुक अप टू कि क्या डालने वाले हैं इस बार। बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होना उनके पेपर से, बिल्कुल भी नहीं होना, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ ये बात, उनके पेपर से कुछ नहीं सीखना कि क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है, राइट। अच्छा कोई बात नहीं, संडे को सुबह 10 बजे डर जाना, आज रहने देते हैं, मंगलवार बख्श देते हैं आपको, राइट। इसके बाद में बच्चे यहाँ पे ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये टॉपिक मैंने यहाँ पे डाला है, अदरवाइज ये सिंगल वर्ड का एक टॉपिक है कि FII RBI देता है, बट हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को नापते कैसे हैं, राइट, ये आपके आंसर्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगा कि समझना कैसे कि फाइनेंशियली इंक्लूडेड लोग होते कौन है, राइट, और कैसे उसको नापते हैं। सो अगर आप इसमें फोर्थ पॉइंट देखेंगे, ये पहले थर्ड देखिए, इट एम्स टू असेस हाउ वेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एक्सेस्ड बाय कॉमन पीपल, राइट। तो अगेन इसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का कोई लेना देना नहीं होता, बट उसकी पर्कुलेशन कितनी है उसका लेना देना होता है, राइट। थ्री ब्रॉड पैरामीटर्स है इसके अंदर, आपका एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। एक्सेस से क्या समझते हो आप? अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी कैसे कैसे नापोगे आप? वो तो यूजेज तो अलग से गिवन है, यूजेज बात की बात है, क्या क्या हो सकता है, एक्सेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सोच के देखो तो। हाँ करेक्ट, नापोगे कैसे और वो कैसे पता लगेगा हमें, मतलब आप समझो मेरा सवाल, एक्सेस का क्या मतलब है, बैंक अकाउंट तो यूजेज में आ जाएगा कि कितने लोगों का फॉर्मल बैंक अकाउंट है, हाँ राइट, सो कैसे कर पाएगा वो यूज, समझो सवाल को, अगर आपका वहां पे बैंक होगा तो यूज कर पाएगा ना, आपके पास में अकाउंट है लेकिन बाहर वो कौन है तुम्हारा परांठे वाला है ना, उसने QR कोड हटा दिया वहां पे, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है उसके पास भी है, अब यूजेज में
प्रॉब्लम आ गई है, राइट। सो अगर ये है एक्सेस पॉइंट्स की बात होती है इसमें, सो अगर आप खाता वहां बैंक में जाके खुलवाओगे, राइट, उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, POS, राइट, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। लिख लीजिए इसके, यहाँ लिख लेते हैं ना, दो मतलब है इसके एक्सेस के, फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल कि बैंक है या नहीं, एक्सेस का क्या मतलब है वो लिख रहे हैं हम, फिजिकल POS पॉइंट ऑफ सेल एंड डिजिटल POS। तो इससे आपका एक्सेस मेजर होता है, कितने बैंक की ब्रांचेज हैं, राइट, कितने जगह पे आपका पॉइंट ऑफ सेल जो है वो अवेलेबल है, उससे आपका एक्सेस समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज यूजेज, जो आप लोग बात कर रहे थे, यूजेज के कुछ 6 पैरामीटर्स होते हैं, लिख लेते हैं उनको भी। फॉर्मल बैंक अकाउंट्स, अकाउंट यूजेज फ्रीक्वेंसी, अकाउंट यूजेज फ्रीक्वेंसी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, दो अलग चीजें हैं ये, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, बाकी यहीं रख दो, बच्चे ऑनलाइन वालों को मैं भेज चुका हूँ, आप एक बार अपना ना स्पैम चेक करना इसमें, मुस्कान कोमल, हाँ अब एक बार आप चेक करना उस, आई विल रीसेंड इट, आप मेरे को ना उसमें मार्क कर दो इंपॉर्टेंट मेल्स में, जो मेरी वाली आईडी है ना, फिर आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ स्टूडेंट्स को और भी इशू आ रहा था, बाकी को तो मैंने रीमेल कर दिया, आप एक बार ज़रूर उसको चेक कीजिए। हो गया, अब ये सबके पास आ गया डॉक्यूमेंट ना, क्या लिखे हमने लास्ट में, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, राइट, रेमिटेंसेस, और दो जो और इन्होंने मेंशन किया हुआ है आरबीआई ने, वो भी हम लिख लेते हैं साथ में, दैट इज एडल्ट्स विद इंश्योरेंस कवर, एंड एडल्ट्स विद क्रेडिट थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ये यूजेज की बात है कि लोन वगैरह कौन फॉर्मली ले रहा है। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटी, राइट, क्वालिटी के अंदर क्या आएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी, आपका बैंक अकाउंट भी खुल गया वहां पे, आपके पास में पॉइंट ऑफ सेल भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, राइट, अवेल करना नहीं आता, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम इसमें। और एक और पंगा होता है ग्रीवियंस रिड्रेसल, राइट, ये दो चीजें फॉल्स अंडर क्वालिटी, ग्रीवियंस रिड्रेसल सर्विस। इसके साथ में ना एक आरबीआई का डैशबोर्ड भी है, शायद आपने सुना होगा, अंतर्दृष्टि के नाम से। तो जब भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जहां से जो डेटा निकलता है सारा, दैट इज द आरबीआई डैशबोर्ड कॉल्ड अंतर्दृष्टि, राइट।
तो ये आपको आ सकता है, एग्जाम में लिख लीजिए इसको भी। अ डैशबोर्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेम्ड अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि ANTARDRISHTI, अंतर्दृष्टि, वॉज लॉन्च्ड बाय RBI। टू असेस ASSEESS, टू असेस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेसिकली इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर वो इंफॉर्मेशन अपडेट करके डैशबोर्ड के ऊपर डालता रहता है। ठीक है जी, ठीक है बच्चा, अब मेरे को एक दिन का टाइम दो, मैं देखता हूँ इसमें क्या इशू आ रहा है। ये नहीं हुआ तो आई विल फॉर्म सम अदर मेथड ऑल्सो। अगेन UPSC का ये कल्चर वाला थोड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है, राइट? तो इन इस टाइप की चीज़ से जो है सवाल आने के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, जो सितान वसल वाला हमने केव्स का किया था और जैन प्रोटेस्ट का किया था, राइट? तो उसके बाद में प्री के अंदर हमने देखा था कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली उससे आ गया था और वो सिंपल क्वेश्चन था, राइट? तो इसको हम दो तीन एंगल से कवर करेंगे, एक तो ये पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में, राइट? प्लस इसके जैसे इसी डायनेस्टी के और टेम्पल्स कौन से हैं, प्लस इस स्टाइल के अंदर और फेमस टेम्पल्स हमारे पास कौन से हैं, राइट? ये दिस इज द वेसरा स्टाइल, दो एक नगर स्टाइल, द्रविड स्टाइल, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन सेंटर में, दैट इज द वेसरा स्टाइल। ये सबको पता है कल्चर कल्चर में थोड़ा बहुत, है ना? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, राइट? तो मोटे मोटे तीन स्टाइल होते हैं हमारे पास। एक होते हैं द्रविडियन स्टाइल, जो साउथ के टेम्पल्स होते हैं, राइट? इस शेप के अंदर दे आर मोर पिरामिडिकल, और इसमें एक ही शिखर होता है, मतलब एक ही ये शिखर ही बोलते हैं इसको, है ना? और साउथ में इसको विमान बोला जाता है। नॉर्थ के जो टेम्पल्स हैं आप मल्टीपल गुंबद देखते हैं, राइट? मल्टीपल शिखर देखते हैं। तो इसका एक पूरी क्लासिफिकेशन है टेम्पल आर्किटेक्चर की, और कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बाद में क्या होता है, गर्भगृह किसे बोलते हैं, मंडल्स क्या होते हैं, सब में क्या काम होता है। तो ये पूरा आप कल्चर के अंदर पढ़ते हैं, पढ़ोगे भी आप उसमें, राइट? एक साउथ का स्टाइल होता है टेम्पल्स का, राइट? और एक आपका नगर स्टाइल है, नॉर्थ का स्टाइल होता है, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट? सो इन दोनों के आपको एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग होता है वो होता है कि कॉम्बिनेशन में कौन कौन से हैं। और आप समझ भी पाओगे कॉम्बिनेशन में वहीं पे टेम्पल्स होंगे जो दोनों के बीच में है, एंड दैट इज़ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट? तो मोस्टली आपको टेम्पल्स जो है कर्नाटका महाराष्ट्र में मिलेंगे आपके, जो वेसरा स्टाइल के होते हैं, राइट? चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट के अंदर उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि किसने डेवलप किया था इसको। इट इज़ द होयसल एम्पायर बिटवीन 11th and 14th century, मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द सदर्न कर्नाटका, क्योंकि यही उनका रूलिंग एरिया भी था, राइट? नाउ दे आर ऑफ द हाइब्रिड और वेसरा स्टाइल, राइट? और वो मैंने आपको बताई दी है क्या चीज़ होती है, बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ोगे भी, आपकी कल्चर की जो NCERT है उसमें भी ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और हर चीज़ का कुछ मतलब होता है इसके अंदर, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, राइट? कितने पार्ट्स में आपका ये शिखर डिवाइडेड होगा, वहाँ से लेके इसके ऊपर स्तूपिका होती है, उसका क्या मतलब है, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, राइट? इवन द बेकी, ये नेक है, इसका भी कुछ मतलब होता है, राइट? तो UPSC पूछ लेता है इसके ऊपर, एंड वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये,
जब आप पढ़ोगे इसको स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक पार्ट है बाय द वे. नाउ दिस पर्टिकुलर टेम्पल, राइट, थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट कंटेन्स मल्टीपल श्राइन्स ग्रुप्ड अराउंड अ सेंट्रल पिलर्ड हॉल. श्राइन्स का मतलब मंदिर छोटे छोटे, और वो एक ही जगह पे है अराउंड अ सेंट्रल हॉल, राइट, मेड आउट ऑफ सोप स्टोन. क्या होता है सोप स्टोन? हाँ, सॉफ्ट होता है, राइट, सबने सुना हुआ है. वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप बस रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. स्टीयराइट का नाम सुना है ना, उसी को बोलते हैं, लिख लो नहीं पता तो. ऑल्सो नोन एज स्टीयराइट, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, प्राइमरीली मेड अप ऑफ टैल्क. नहीं पता तो ये भी लिख लो, ऑल्सो नोन एज स्टीयराइट, STATITE. कॉमा, अ मेटामॉर्फिक रॉक दैट कंसिस्ट प्राइमरिली ऑफ टैल्क, TALC. जब हम हार्डनेस स्केल की बात करते हैं ना, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड, राइट. तो डायमंड एक कोने पे होता है उसमें, और टैल्क दूसरे कोने पे होता है, तो इसके बीच में बाकी सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं नेचुरली अकरिंग, राइट, तो उस स्केल में भी काम आता है. नाउ सेम इन इसी डायनेस्टी के बाकी जो फेमस टेम्पल्स हैं वो नीचे तीन गिवन हैं, आइए उनको देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव होयसलेश्वर टेम्पल. इसी के आगे आप ऐसे एरो डाल के लिख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं हम, क्योंकि UPSC अकेला उसको तो नहीं पूछने वाला. डेडिकेटेड टू शिवा, और कुछ प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखते हैं इसी के लिए. स्पॉन्सर्ड बाय, वॉज स्पॉन्सर्ड बाय वेल्दी सिटीजन्स एंड मर्चेंट्स. Has a walled complex. Complex माने आंगन, walled माने दीवार हो रखी है. Has a walled complex containing 3 Jain temples. बसादी बोलते हैं उनके temples को, BASADI. तो अगर जैन बसादी कहीं पे लिखा हुआ मिले तो उसका कुछ और मतलब नहीं है, टेम्पल होता है मतलब. आई मे बी प्रोनाउंसिंग द वर्ड रॉन्ग, है ना, पर BASADI. तो इसके अंदर इट इज डेडिक, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, बट इसके अंदर वॉल्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 जैन टेम्पल्स भी हैं, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट इज चेन्ना केशव. बाय द वे तमिल भाषा में केशव, केशव का मतलब, तो केशव इज विष्णु एंड चेना का मतलब इज ब्यूटीफुल, राइट. तो दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. बच्चा किस चीज की स्पेलिंग रिपीट करने को बोल रहे हो आप? अच्छा, अब ये भी उनको लिख के बताना पड़ेगा. ऑनलाइन उन्होंने लिखा है कि स्पेलिंग रिपीट प्लीज, है ना. अब मैं पूछ रहा हूँ किस चीज़ के स्पेलिंग रिपीट करने हैं, तो उनको लेट मी गेस कि आपको किसके स्पेलिंग चाहिए होंगे. बताओ ना किसके स्पेलिंग पूछ सकते हैं वो? सोप स्टोन के. अच्छा, BASADI. हाँ,
राइट बच्चे, बी ए एस ए डी आई मतलब टेम्पल होता है उसका। राइट आगे लिखते हैं बच्चे, ऑल्सो हैव सम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिवा। ठीक है, प्राइमरीली ये विष्णु टेम्पल है, वो केशव नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। हैव सम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिवा। नाउ जस्ट अ स्मॉल आपको एक गैसिंग का पैरामीटर अगर मैं प्रोवाइड करूं, सो बिकॉज द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विष्णु, सो यू विल डेफिनेटली फाइंड सम रेफरेंस टू रामायण एंड महाभारत। राइट, नाउ दैट गॉड इज एसोसिएटेड विद बोथ ऑफ देम। राइट, सो अगर आपको कोई ऐसा समझ में आ जाता है कि अरे कोई विष्णु टेम्पल है और साथ में ये स्टेटमेंट आ जाती है कि इसमें रामायण एंड महाभारत का रेफरेंस है, तो वो होगा ही। राइट, दैट इज इट ऑल अबाउट। तो लिखना है तो आप लिख सकते हो, द टेम्पल नरेट्स द सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। बट अगर नहीं पता लगेगा तो आप गैस भी कर सकते हो। बाय द वे, ये तब गैस हो पाएगा अगर आप शांत दिमाग से जाओगे पेपर में। अगर वहां भसड़ मची होगी ना तो आप गैस नहीं कर पाओगे और गलत जरूर करके आओगे। राइट, और इसका इकलौता तरीका उस माइंडसेट से बाहर आने का यही है, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द पोस्ट। राइट, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा, अपने आप को वर्दी में मत देखना जब तक नहीं आती। राइट, आ भी गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट, तो उसमें इतनी कोई वैल्यू अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी क्योंकि है नहीं आपके पास तो खोने का डर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय आप खोने के डर से बैठते हैं वहाँ पे कि अगर मैं नहीं किया तो मैं कुछ खो दूंगा जो मेरे पास है नहीं। राइट, आई एम जस्ट वरीड अबाउट माई गोल्डन एलिफेंट पार्कड आउटसाइड। चलिए नेक्स्ट इज केशव टेम्पल। अ ब्यूटिफुल त्रिकूट टेम्पल, टी आर आई के यू टी ए, त्रिकूट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। त्रिकूट है इन थ्री फॉर्म्स, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन थ्री फॉर्म्स। ये आपको क्योंकि अब देखो ये वाला बहुत आसान है इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म करना, तीन फॉर्म्स हैं, वो पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। राइट, तो अगर आपको तीन पता होंगी तो आप चौथे को मार्क कर दोगे। राइट, पर ये टफ क्वेश्चन में आएगा कि आपको तीन पता होनी चाहिए, नहीं आपको सिर्फ स्टार्टिंग के लेटर्स पता होनी चाहिए। राइट, जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाला, वी ई एन यू जी ओ पी ए एल ए। इसकी भी कुछ स्टोरी है कि वो मेन आइडल इसमें मिसिंग है, बाकी दो डैमेज कर दिए थे। नाउ वी हैव द ऑपर्चुनिटी टू राइट समथिंग ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑल्सो, वो लिख लेते हैं कुछ कुछ। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर ही लिया है, जो इन्फॉर्मेशन आज तक कवर नहीं हुई है वो हम इसमें लिख लेते हैं। साइट्स आर डेजिग्नेटेड एज हैविंग कोट्स में लिखना आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, इन्हीं की कन्वेंशन 1972 जो कन्वेंशन है उसी के हिसाब से उन्होंने ये किया हुआ है कि अगर हम किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलेंगे तो इट विल बी कॉल्ड दिस थिंग ऑफ हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। राइट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइट्स,
जब हम हेरिटेज साइट की बात करते हैं, तीन टाइप्स ऑफ साइट हैं, इसको ऐसे आप तीन ऐसे करके लिख लेना ताकि तीनों के बारे में हम कुछ कुछ लिख लें और एग्जांपल्स भी दे देंगे ना। नंबर वन इज कल्चरल, कल्चरल एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत है, कल्चरल सेटअप समझते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू कल्चर, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई देगा एग्जांपल इसका, कल्चरल हेरिटेज साइट 34 है इंडिया में, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, धोला ये हरप्पा रिलेटेड है, जो इंडस वैली से रिलेटेड है, धोलावीरा, नेक्स्ट इज सेकंड इज नेचुरल हेरिटेज साइट्स, जिसके अंदर हमें इसके अंदर अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कौन सी होती है नेचुरल साइट्स, एरियाज हैविंग एक्सीलेंट इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस कॉमा यूनिक नेचुरल फिनोमिनन्स एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब कि उनका हैबिटेट है ये, उस स्टाइल में बात हो रही है इधर। बस ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंडिया में 7 साइट्स हैं इसकी, नेचुरल साइट्स जो हैं इंडिया में 7 हैं, 34 कल्चरल है और एक है हमारी लास्ट में मिक्स्ड। ये आपको रैंक करने को दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा कल्चरल है हमारे पास, थर्ड इज मिक्स्ड हैविंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ, है ना, पहले दो के एलिमेंट्स, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये सेंटर में होगा, राइट, कल्चरल और इकोलॉजिकल के बीच में मिक्स्ड, ये एक ही है इंडिया में और लास्ट टू लास्ट ईयर डाला था इसको, एनीवन कहाँ पे, स्टेट ही बता दो, असम वाली साइड, चलो जी हमने ट्रेन तो बुक करा ली उधर की, काजीरंगा नहीं है बच्चे, हाँ के से तो है, सही है। मैं एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ बहुत प्यार से, कि आपके प्री के अंदर स्टेप मार्किंग नहीं होती है, है ना, वो एब्सोल्यूट होती है, आइदर प्लस 2 या फिर माइनस 0.66। कंचनजंगा लिख लीजिए, पर इसका नाम मतलब अब चेंज कर दिया था, लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, लिख लीजिए अब KHANGCHENDZONGA कांचनजंगा, राइट, नेशनल पार्क, एक इकलौती हमारी ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, राइट, और अभी बहुत रीसेंट फिनोमिना है ये, अगर इसके ऊपर सवाल बनेगा तो वो इसी तरीके से बनेगा बच्चे, कि कितने टाइप की होती है हेरिटेज साइट्स, है ना, सबसे ज़्यादा कौन सी है इंडिया में, टोटल कितनी है, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस एंगल पे ज़्यादा आएंगे, और अगर टेंपल्स वाले पे सवाल आया तो वो जो मुझे लग रहा है दैट विल रिवॉल्व अराउंड की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसरा स्टाइल टेम्पल, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेसरा स्टाइल टेम्पल, राइट, तो उस एंगल पे लेके जाएंगे वो, तो अदर फेमस टेम्पल्स लिख लेते हैं वेसरा स्टाइल के, है ना, इसके नीचे है ना, हाँ इसके पास जगह है आपके पास, लिख लीजिए,
कैलाशनाथ टेम्पल, कहां पे है ये? कैलाशनाथ टेम्पल, अरे वेसरा स्टाइल है, अभी तो बताया, वो तो नॉर्थ की स्टेट्स भूल जाओ, सेंटर में होगा, एलोरा, कैलाशनाथ टेम्पल। हाँ जी बच्चे, चेन्नकेश्वर तो उसमें है ही है, इसके अलावा देर इज ऑल्सो अनदर वीरूपक्ष टेम्पल, VIRUPAKSHA, वीरूपक्ष टेम्पल। हम्पी, हम्पी कहाँ है? कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट विजयनगर। नेक्स्ट वी हैव लड़खन टेम्पल, LADKHAN, लड़खन टेम्पल। इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो आप, मतलब ये इट्स ऑल्सो कॉल्ड चालुक्य शिवा टेम्पल, CHALUKYA। फिफ्थ सेंचुरी का टेम्पल है बाय द वे, इट इज वेरी ओल्ड एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाय द वे। कर्नाटका अहिहोल, AIHOL। हमने किए थे मॉन्यूमेंट्स ऑफ अहिहोल करके एक टॉपिक किया था हमने लास्ट टाइम, तो उन्हीं में से एक मॉन्यूमेंट है ये, और लिखवाने की तो नहीं जरूरत ना कि डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। और बच्चे जब आप ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, जब भी आपका कवर होता है कि स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स, राइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तो आप पढ़ ही लोगे कि सबके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट, आपको याद भी हो जाएंगे। फोकस ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज द कॉमनैलिटी बिटवीन देम, राइट। तो अगर सवाल बनेगा एज एन एग्जामिनर तो वो उस एंगल पे सवाल बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सवाल नहीं बनेगा, राइट। और जो लोग हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो टेम्पल्स का एक अलग से टॉपिक आता है उसमें, है ना, और कौन सा टेम्पल किस स्टाइल का है, वहाँ पे चार स्टाइल हैं, पेंट रूफ्ड और ये सब भी आता है उसमें, राइट, तो एक सवाल उसमें आना ही आना है, राइट, तो थोड़ा सा वो कवर करके जाना आप। हिमाचल की एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसमें 70 मार्क्स हर कोई स्कोर कर लेता है, 70-75 मार्क्स आप भी कर लोगे, राइट, लेकिन जो गेम है बचे हुए 25-30 मार्क्स की, 4 साल हो गए मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि वो कभी कभी एक ही बुक से सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक जो करंट अफेयर्स की आती है ना पतली पतली, लास्ट 6 मंथ्स, तो एक ही सारे आ जाएंगे, तो जिसने पढ़े हैं उसके एक गो में 15 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, एक गो में 15 क्वेश्चन रिफंड फ्रॉम वन पर्टिकुलर बुक। एक शेर है, नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, राइट, तो उनका हिमाचल का कुछ नहीं पता, राइट। चलिए बच्चे आगे चलें, हमने बहुत सारे टॉपिक करे हैं इससे पहले भी, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ना ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, अगेन ये काम आपका आइडेंटिफाई करने का, कि हम ना इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने लगे हुए हैं, तो अब जो टॉपिक्स आएंगे आपके पास में मोस्टली वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, कि जहां पे हम पोर्टल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक जो पर्टिकुलर चीज रह गई थी विच आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि कब होने वाला है, वो हो गया, किसान ऋण पोर्टल, राइट, कि एग्रीकल्चर के अंदर जिनको लोन्स चाहिए या जिनको मिल रहे हैं, राइट, इनका कोई एक जगह डेटाबेस होना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पे ले आओ। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स? आपके बैंक है ना, जिसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, आपके कोऑपरेटिव एंड योर कमर्शियल बैंक और आपका RRBs, ये सारे इसके अंदर आप इंक्लूड करो, राइट, प्लस आप साथ में स्टेक होल्डर्स फार्मर्स का डेटा भी उसके ऊपर डालो, बिकॉज ऑफ पॉसिबल है आपके पास जैम ट्रिनिटी है, जनधन आधार और मोबाइल, राइट, ये वाली ट्रिनिटी है, तो दिस इज द थिंग जो अब फाइनली लॉन्च हो गई है। आइए बच्चे देखते हैं इसके ऊपर।
पेज नंबर टू पे आइए आप, जो सेकंड पॉइंट है वहां पे, देखिए हालांकि इसको लॉन्च कंफ्यूज नहीं होना, लॉन्च इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं है, ठीक है जी, बताना पड़ेगा किस मिनिस्ट्री का है, ठीक है जी, थैंक यू। इट विल ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ फार्मर डेटा, स्कीम यूटिलाइजेशन प्रोग्रेस, लोन डिसबर्समेंट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन, राइट। तो एक जगह पे आपका डेटाबेस बनेगा, किसान ऋण पोर्टल का ये मतलब, ऋण माने लोन ही होता है ना। थर्ड पॉइंट के अंदर इसने पूरा क्लियर कर दिया, इट क्लेम्स टू इंक्रीज द सीमलेस इंटीग्रेशन विद बैंक्स एंड मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर क्रेडिट, राइट। और वो बात कर रहा है कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर इसको लोन देंगे, राइट। केसीसी एक स्कीम है जिसके अंदर अप टू 1.6 लाख का लोन मिलता है कोलेट्रल फ्री, राइट। आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता, 1.6 लाख की ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी होती है उस कार्ड के अंदर, रुपए डेबिट कार्ड है बेसिकली वो, राइट। और 4% का उसमें इंटरेस्ट देना होता है। लिख लें क्या ये सब कुछ, आ जाओ लिख लेते हैं मुझे। किसान क्रेडिट कार्ड्स, इसके ऊपर एक्चुअली 2017 से 20 तक ना बहुत सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी केसीसी के ऊपर। अब इसको लोकल पेपर वालों ने भी पूछना बंद कर दिया है केसीसी के सवाल, राइट। बट पता होना चाहिए, कहीं पे भी काम आ सकता है ये। इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। और किसके लिए, किसान क्रेडिट कार्ड है किसान के लिए, और किसान को किस लिए चाहिए होगा लोन, एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए, विच इंक्लूड्स इनपुट्स, आपकी सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, राइट, इन सब चीजों के लिए। इन 2018-19, ये बजट की बात हो रही है, इन 2018-19 द फैसिलिटी वॉज एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, कॉमा नो प्रोसेसिंग फी एंड रेजिंग द कोलेट्रल फ्री लिमिट को कोट्स में डाल देना, कोलेट्रल फ्री लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू 1.6 लाख। फ्री लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू 1.6 लाख। अब आपने कार्ड दे दिया किसान को, राइट, जिसके अंदर वो एटीएम से जाके पैसा निकाल सकता है, वहीं से उसको लोन हो गया। इसका मिसयूज कैसे कैसे हो सकता है, और जो हुआ भी है, सिंपल। और सोचो, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया है ना, कि मैं किसान था, राइट, और मैंने अपने भाई की शादी में वहां से पैसा निकाल के मैकडी का स्टॉल लगवा दिया, अब मेरे जैसा कोई नहीं है पूरे पिंड च, क्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। इसमें मतलब एक ना, वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना एफआईआई में, उसका क्वालिटी में कि फाइनेंशियल लिटरेसी, वही इसका भी आपको ड्रॉबैक मिलेगा, राइट। लिख लें इसको भी थोड़ा सा, लिख लो केसीसी मिसयूज,
क्रेडिट लिमिटेड टू फाइनेंशियली एजुकेटेड, क्रेडिट इज लिमिटेड टू फाइनेंशियली एजुकेटेड एंड वेल ऑफ पीपल एक जो पॉइंट उन्होंने बताया, सेकंड पॉइंट, फंड्स डाइवर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, मतलब रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा देते हैं, राइट, व्हीकल्स खरीद लेते हैं, या फिर आपके फॉरेन एजुकेशन के स्पॉन्सरशिप में पैसा जो यूज होता है वहां पे यूज होता है। ये प्रैक्टिकल केसेस हैं, ये तीन एग्जांपल आपकी साइट पे ही गिवन है, मेन सरकारी साइट पे, कि कैसे मिसयूज हो रहा है, राइट। एंड लास्ट वन इज द क्वांटम ऑफ लैंड इज इन्फ्लेटेड, क्वांटम ऑफ लैंड इज इन्फ्लेटेड टू अवेल हायर क्रेडिट। अपर लिमिट है वो, हाँ, डिपेंड कर सकता है, किसी के लैंड ज्यादा है तो उसको ज्यादा क्रेडिट चाहिए, तो आपके पास अलग फैसिलिटी है ना, तो आप नॉर्मल लोन, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन है, आपको 4% पे आपको मिल जाएगा क्रेडिट, और कोलेटरल फ्री है, तो अगर बड़ा फार्मर है तो वो कुछ कोलेटरल रख के फिर लोन ले लेगा। अभी एक नई डिबेट दोबारा से, अब वैसे काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, ये लगभग चार पाँच साल हो गए हैं, एक पहले बहुत स्ट्रांग डिबेट चलती थी अबाउट जो फार्म लोन वेवर हो जाते थे, कि लोन लिया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं, और सरकार ने फाइनली लोन माफ़ कर दिया, और बैंक्स को तो पैसा चाहिए, तो सरकार ने पंप इन कर दिया पैसा। अब उसका इफेक्ट मिलता था साढ़े तीन साल बाद, कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, राइट, प्रूडेंट पॉलिसी नहीं थी। अब ये डिबेट थोड़ी ठंडी है, क्योंकि फार्म लोन वेवर्स हो नहीं रहे हैं, अब ऐसी कोई एजिटेशन भी नहीं हो रही है कि लोन माफ़ करो या कुछ ऐसा है ना, बट क्योंकि इलेक्शन सीजन आ रहा है तो यू माइट सी सच डिमांड्स, तो फिर अगर ये डिमांड उठती है और कहीं क्लास व्लास में आ जाती है, तो उसके बाद में आप थोड़ा सा इसके ऊपर मन पक्का कर लेना कि क्या है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला, एक और पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, अगेन ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये पूरा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की है ये। पढ़ लो इसका एक दो पॉइंट्स, पढ़ लो फटाफट पहले दो। पढ़ लिया, अगर एक लाइन में इसको कहना चाहें तो ये पर्टिकुलर पोर्टल कोई नई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करने वाला है, समझिए इस बात को, कोई नई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हो रही है, हमारे पास ऑलरेडी मीटरोलॉजिकल स्टेशंस हैं, हमारे पास ऑलरेडी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, राइट, तो ये है हमारा डेटा सेट, है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा मीटोलॉजिकल डेटा है। फिर हमारे पास में आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर में डिसीजन लेना है, जो भी है, राइट, इनके बीच के गैप को नॉलेज गैप कहेंगे हम, उस नॉलेज गैप को पूरा करने के लिए ये पोर्टल है, ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट। हाँ, दिखेगा आपको ट्रेंड, वो कोलैबोरेशन है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में अभी, राइट, ये आपका नेशनल लेवल का पोर्टल है। सवाल आपका कुछ ऐसा सही बनेगा उसमें कि एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट, अब हो सकता है वो डिकरा और विंड्स दोनों को डाल दें, डिकरा विंड्स और कोई नया आ जाए,
रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस टाइप का कोई सवाल आएगा उसमें, तो कर कर ये रहे हैं राइट. बेसिकली नॉलेज अगर लिखना है तो आप साइड पे एक वर्ड में लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, द गोल इज टू क्लोज द नॉलेज गैप एंड एम्पावर डिसीजन मेकर्स फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स एट द ग्रास रूट लेवल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस पोर्टल के ऊपर आपको पता लग गया कि आने वाले टाइम के अंदर बारिशें होने वाली हैं या नेक्स्ट सीजन मानसून बहुत हैवी रहने वाला है राइट, तो आपको अपने प्रोक्योरमेंट को बचाने के लिए आपको तरपाल डालनी होगी राइट. नाउ इफ यू ऑर्डर दैट इन एडवांस तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी वो. यही अगर बारिशें होने ही लगी हैं और आपको इमीडिएटली चाहिए तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपको इमीडिएट बेसिस से प्रोक्योर करना पड़ेगा राइट. तो उस एंगल पे जाके स्टेक होल्डर जो ग्रास रूट लेवल पे है ये इन्फॉर्मेशन उनको ऐसे हेल्प करेगी राइट. तो यू कैन प्लान योर वेजिटेशन अकॉर्डिंगली. जैसे एक साइट है जहाँ पे आपको कमर्शियल होलसेल रेट के ऊपर सामान मिलता है इंडिया में, इंडिया मार्ट करके नाम है उसका साइट का राइट. सो अगर वहाँ पे आप कॉस्ट देखोगे तो आप देख के हैरान रह जाओगे कि यार अच्छा जो ये सामान मैं बाहर 300 रुपये का खरीद रहा हूँ ये 35 रुपीज़ पर पीस पे बेच रहे हैं. फिर आप ध्यान से पढ़ोगे वहाँ पे लिखा होगा मिनिमम ऑर्डर 2500 पीसेस, मिनिमम ऑर्डर इतना राइट. सो अगर आपके पास एडवांस में इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे सारे लोग इस चीज़ को राइट. उसकी डिलीवरी को टाइम लगता है क्योंकि अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 2 मंथ्स 1 मंथ 3 मंथ्स इस टाइप से उसका ऑर्डर आता है. ठीक है जी चले आगे. एक और इसमें लिख लीजिए, आप एक लाइन लिख लीजिए, द विंड्स इनिशिएटिव विल प्रायोरिटाइज the establishment and integration, the establishment and integration of a robust network of meteorological stations. वैसे फार्मर सपोर्ट को समझने का ना एक और तरीका भी है, अप फॉर इट समझें उसको थोड़ा सा. अगर अपने फार्मर्स को सपोर्ट करना है राइट तो कैसे कैसे कर सकते हैं. सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ना इन 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो. एक होता है प्री सोइंग, एक ड्यूरिंग और एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट राइट. और जो फार्मर्स की सपोर्ट होती है कोई भी आप प्लान उठा के देखो कोई भी आप इन 3 में से किसी एक जगह पर फिट कर सकोगे उनको राइट. कुछ कुछ है जो पोस्ट हार्वेस्ट है जैसे ई नैम मंडी में अगर बेचना है राइट. कुछ कुछ है जो आपको पहले सीड्स में सब्सिडी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रहे हैं, और कुछ कुछ है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपने क्रॉप तो लगाई हुई है क्रॉप फेलियर हो गया, फसल बीमा योजना टाइप चीज़ें राइट. सो कुछ और इनिशिएटिव्स देख लेते हैं साथ में जो इंपॉर्टेंट है. स्टैटिक में ना बच्चे क्योंकि मिस होता है ये, आप लोग ना स्टैटिक में पढ़ते नहीं हो इस सब चीज़ों को. एग्रीकल्चर को हम किसी और नज़र से देखते हैं स्टैटिक में कि क्या होता है एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, जीवीए क्या है एग्रीकल्चर की, वहाँ पे स्कीम्स एंड ऑल स्टैटिक का पार्ट नहीं बनता और करंट में हम छोड़ देते हैं राइट. लेट्स राइट समथिंग, दो चार स्कीम्स लिख लेते हैं. जो जो पता होंगी आपको मत लिखना, जिसका मतलब है कि आप सारे लिखने वाले हो. हेडिंग ए डाल लीजिए अदर इनिशिएटिव्स. पीएम किसान, पीएम किसान कैपिटल्स में
ये किसान सम्मान निधि, ये आपने किया हुआ है क्लास में, है ना, किया था ना, हाँ, तो मत लिखो पीएम किसान निधि, ये कितने रुपए प्रोवाइड करता है उसको? 6,000। अरे क्या बात है, वाह, वेरी गुड यार, हाँ यही है, 6,000 सपोर्ट ऑफ रुपीज 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 2019 की स्कीम है ये, नेक्स्ट वी हैव नमेओ ओपी, NMEO-OP, ये नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, और ओपी इज पाम ऑयल, नमेओ ओपी, NMEO-OP, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, इसमें हम लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप उगाओ इस चीज को, और हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे हैं हमारे एडिबल ऑयल के फील्ड के अंदर, अभी हम हैवीली इंपोर्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट वी हैव PMFBI, FBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ क्रॉप लॉस, यहां से UPSC का पॉइंट शुरू होगा, ड्यू टू फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट्स और डिजीजेस। KCC एक हो गया, हमने देख लिया 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और उसमें एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज भी इंक्लूडेड है, अब पहले एग्रीकल्चरल लोन होता था वो, पर अब उसके अंदर फिशरीज को भी और इन सब चीजों को भी लोन मिलेगा। और इसके अलावा वी हैव सॉइल हेल्थ कार्ड, नेक्स्ट वी हैव NBHM, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, और इसको बहुत कन्वीनियंटली हम स्वीट रेवोल्यूशन के नाम से बुला रहे हैं, इसी के नीचे डैश करके लिख लो स्वीट रेवोल्यूशन, एग्जीक्यूटेड बाय NBB, नेशनल बी बोर्ड। नेशनल बी बोर्ड ऐसा लग रहा है ना कि इंसेक्ट्स की कोई ग्रुपिंग है आपस में और हमारे से बात करती हैं वो, नहीं, अच्छा। नेक्स्ट वी हैव ENAM, ये तो पता होगा, ठीक है, नहीं लिखना मत लिखो, कोई बात नहीं, ENAM तो पता ही होगा, किसान रेल, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्दी से कहीं पहुंचाने के लिए किसान रेल, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल एग्रीकल्चर, ऐसे लिखो पेरिशेबल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स की बात करें रेलवेज है तो कमोडिटीज लिख सकते हैं इसको। यही रेल है जिसकी वजह से आप लोग अपने शादियों में इवेंट्स में फ्लावर डेकोरेशन कर पाते हो, राइट, 3 दिन एडवांस में ऑर्डर देना होता है और उसके बाद में अंबाला से पिक करते हैं ये लोग, अंबाला तक ट्रेन आती है कर्नाटका से, राइट, और इतने भी वेंडर्स हैं आपके सारे वहीं से लेके आते हैं सारे, राइट, तो आपको 3 दिन एडवांस में बताना होता है उनको, उसके बाद में वो हार्वेस्ट करते हैं, रात को शायद इवनिंग में हार्वेस्ट होता है और 1-1.5 दिन बाद आपके पास में
यहाँ पे वो प्रोडक्ट पहुँच जाता है, क्योंकि फ्लावर्स हैं दे आर हाईली पेरिशेबल. सो एवरी टॉपिक इज वेरी टेंजिबल इफ़ यू लुक अराउंड. हाँ जी सही बात है, यही तो इशू है. थोड़ा सा और एलैबोरेट करो इस पॉइंट को, आप क्या कहना चाह रहे हो, किस एग्जैक्टली यही तो इशू है. मतलब अगर अगर इस जो ये बात बोल रहे हैं इस इशू को हम एनालाइज करना चाहें, राइट, सो एक एंगल थोड़ा ये आएगा, वी आर जो वो बंदा पढ़ा लिखे नहीं है, द फार्मर इट्सेल्फ, राइट, ही इज़ नॉट अवेयर. दूसरा ये सरकार के लेवल पे कमी है ना, कि आप अवेयरनेस फैला नहीं पा रहे, बट सरकार ने तो एजेंट लगा रखे हैं, सरकार ने तो आप लोगों को अपॉइंट कर दिया, राइट, तभी जब आप लोग जाके पेपर देते हो आपसे एथिक्स का पेपर ले लिया जाता है कि आप मॉरली करेक्ट हो भी कि नहीं अपनी ड्यूटीज को लेके. करप्शन इज अ सोशल रियलिटी, एवरीबडी एग्जीक्यूट्स वन और द अदर फॉर्म ऑफ करप्शन. करप्शन का मतलब सिर्फ ब्राइबरी नहीं होता, रिश्वतखोरी करप्शन नहीं होती. जो आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी है, अगर आप उससे हटते हो दैट इज करप्शन. किसी भी वजह से हट रहे हो, आपका मन नहीं है, आलसी लेजी हो रहे हो, वो भी करप्शन है. कि आपका एक काम था, जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस तो आपने कर लिया होगा, किधर को जाऊंगा मैं ऐसे तो स्मार्ट हो तुम लोग, तो अब जिस कैपेसिटी में आप लोग बैठे हो, आप बैठे हो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में. यू आर नॉट माई फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बाहर शायद, पर हेयर, राइट, हम दोनों की एक कैपेसिटी है, तो अगर हम उसको निभा रहे हैं दैट इज़ ओके, नहीं निभा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो इधर उधर जा रहे हैं, वी कैन कॉल आर सेल्फ कि हम थोड़ी सी करप्शन फॉलो कर रहे हैं, राइट. सो यही इशू है, यही मुद्दा है अवेयरनेस का. और अगर सोल्यूशन पे जाना चाहो इसके, कि अवेयरनेस की कमी अगर हो रही है, और उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे बोला, और बिल्कुल सही बोला है, और हमने लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था इस चीज़ को, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो बेस्ट काम कर सकता है दैट इज़ ए सिविल सोसाइटी. दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इज़ पुशिंग बैक, दैट इज़ वाई हम गवर्नेंस पे जा रहे हैं कि बाकी प्लेयर्स आओ. जितना काम आपके लोकल लोगों को पता होगा आपकी लोकेलिटी के बारे में और किस तरीके से किसी को समझाना है, वो सरकार नहीं कर पाएगी. सरकार एक जनरलाइज सा प्लान बता सकती है, एड्स चला सकती है, क्या कर सकते हो अवेयरनेस के लिए बताओ मुझे, सोचो जरा, व्हाट कैन यू डू टू रेज द अवेयरनेस. अब आपके पास में एक टास्क आ गया है, अवेयरनेस रेज करनी है जी पोर्टल्स के बारे में, क्या करोगे, एड्स दे सकते हो, कहाँ कहाँ दोगे एड्स, रेडियो, टीवी, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका टेलीविजन और रेडियो आ गया, प्रिंट मीडिया में जो भी चीज़ प्रिंट होती है ये दोनों चीज़ें आ गई. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सोशल मीडिया भी कवर कर लेते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक्सेस करने के लिए आपको डिवाइसेस चाहिए, प्रिंट मीडिया को एक्सेस करने के लिए आपको विलिंगनेस चाहिए, पहले तो आप लोग भी कहाँ एक्सेस करते हो प्रिंट मीडिया को, वो चाहिए, प्लस आपको लिटरेसी चाहिए. नाउ इफ़ यू सी द स्टैट्स ऑफ इंडिया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो यू गेट अ वेरी ग्लूमी पिक्चर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट, समझ रहे. हाँ परफेक्ट, इस टाइप के एग्जांपल्स आपको डालने पड़ेंगे. राइट, प्रोवाइडेड कि उनको उनके पास टीवी है और उनको चलाना आ रहा है, हाँ एंटीना लगाओ और हो जाएगा. डीडी किसान एक अलग से डेडिकेटेड चैनल है, डीडी नेशनल के ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं, आई थिंक ट्यूसडे 7 बजे का कुछ उनका प्रोग्राम, 6 से 8 कुछ ऐसा प्रोग्राम है उनका, ये भी आता है. सो यही सब चीज़ें कर सकते हो आप, एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग डन. जो भी हमने डिस्कस किया ना, सब कुछ हो रहा है. कन्फ्यूज़ हो गए ना कि क्या करना है अब आगे ऐसा है ये हर बार ये इस वाली डिबेट में यही निकल के आता है. ये हो गया, क्राइम हो गया है ना, और आपका इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, राइट, हंगर, जो बहुत बेसिक लगती है हमें चीज़ें, वो हमेशा लास्ट में जब आप देखते हो कि हो क्या रहा है, क्या क्या किया जा सकता है, हमेशा एक पिक्चर, एक आपको ग्लूमी पिक्चर ही मिलेगी. इसीलिए आप लोगों का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है.
बहुत जरूरी है। चलिए बच्चे आगे, बीमा सुगम पोर्टल, अगेन वही वही मुद्दा सेम जो हमने डिबेट हाईलाइट करी है। अब आपको सारे टॉपिक्स थोड़े इजी लगने लग जाएंगे वंस यू आर अवेयर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन कि अब ऑल ओवर इंडिया हम लोग इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। ये भी सेम सेम ही एक प्रोसेस है। आइए बच्चे देखते हैं। अप्रूव हो गया है बाय द वे, है ना, ये इट इज वर्किंग नाउ। अबाउट द प्लेटफॉर्म, सेकंड आप देखिए, इट विल एनेबल इजी एक्सेस अंडर अ सिंगल रूफ, किन किन के लिए, फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंट्स, ब्रोकर्स, बैंक्स एंड इवन एग्रीगेटर्स, है ना, एजेंट्स जो होते हैं जो पेमेंट भी एग्रीगेट करेंगे आपकी या जो आप उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं एंड इवन एग्रीगेटर्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए, विल एनेबल इंडिविजुअल्स टू बाय लाइफ, हेल्थ, मोटर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑनलाइन। ठीक है, दो टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। ठीक है जी, और जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आती है। लिखना है इसको, लिख लो साइड पे। टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वैसे ये। नंबर वन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, सेकंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आप लिख लीजिए साथ में ब्रैकेट में, इंक्लूड्स हेल्थ इंश्योरेंस, इंक्लूड्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। बाकी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपकी मोटर इंश्योरेंस और ये सब उसमें आ जाएगा। आजकल तो बहुत टाइप की इंश्योरेंस हो गई है, आपके टिकट पे भी आप इंश्योर्ड होते हो, है ना, और जो रेलवे है अगर अगर आपकी लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी होती है तो वो 35 पैसे के अंदर आपको प्रोवाइड करती है, अराउंड 250 किलोमीटर के अंदर इतना है, 35 पैसे पर पर्सन। कि अगर आपकी ट्रेन पलट जाए या कुछ हो जाए, है ना, ट्रेन पलटती नहीं है वैसे, डीरेल होती है, मगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है 35 पैसे के अंदर। यू कैन ऑल्सो टेक इट ऑफ बाय द वे, खरीदते हुए ना आप उसको छोड़ भी सकते हो कि नहीं चाहिए मुझे 35 पैसे, मैं क्यों दूं। इसके अंदर बच्चे क्यों हम इसको देख रहे हैं, एक बारी सिग्निफिकेंस में चलिए, नीचे गिवन है। एक तो समझ में आ गया कि वन स्टॉप शॉप है ये, इसमें सब बेसिकली अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं, मैंने सिर्फ एक मॉल खोल के दे दिया है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ मॉल, कि मेरे पास आउटलेट है सारे, आप यहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट लगा सकते हो आके और मेरे पास विजिटर्स आएंगे जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए खरीद सकते हो, बस ये सरकारी वो कर दिया पोर्टल। और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर बहुत थे वैसे पहले, हाँ ये लेक्चर YouTube पे भी जाता है, हम क्यों फ्री में ऐड करें, है ना। तो ये सरकार ने अपने अंडर ले लिया है, बेसिकली आपका IRDAI, है ना, लिखा हुआ कहीं पे ऊपर, हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर आपको एग्जाम के अंदर ही IRDA के नाम से भी देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वो IRDA बोलता है खुद को, राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही एंटिटी है। तो सिग्निफिकेंस के अंदर बोला था, प्लेटफॉर्म विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग जर्नी फॉर ऑल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। बेसिकली ये उसी को ईज ऑफ एक्सेस की बात कर रहा है, एक्सेस इंक्रीज करने की बात कर रहा है। बाकी सब तो बनावटी वर्ड्स हैं, हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं, IRDAI, है ना, क्या चीज है ये, लिख लें इसके ऊपर। आ जाओ बच्चे, शॉर्ट में लिखते हैं प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स, मेंस में नहीं पूछेगा कोई ये,
आईआरडी के ऊपर, आईआरडीए के ऊपर तीन या चार मेजर पॉइंट्स बनते हैं. पहला तो आपको पता ही होगा, एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी. इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेकेंड इज स्टैट्यूटरी बॉडी. अंडर द IRDA एक्ट, अंडर द IRDA एक्ट 1999. बच्चा ये जितने भी हमने सेबी वगैरह के और इस सब के हमने ईयर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो अगर कभी मन करे कि सिलेक्ट होना है तो उनको ना एक लाइन में लगा लेना कि कौन सा कब हुआ है, राइट तो ये किसी भी साल कभी भी ये एक पूछा जा सकता है. और ये जो PCS और HPS आ रहा है, इनका तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं इसको कि कौन सा कब है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो. तो चार पांच ही है मेन आप RBI वगैरह सबको याद रहता है, सेबी भी याद रहता है, ये IRDA ऐसी चीज़ बंदा भूल जाता है कब हुआ था. थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए किसके बाद है किससे पहले है, एग्जैक्ट चाहे ना भी याद हो ठीक है. देख लेना इसको, स्टैट्यूटरी बॉडी लिख ली हमने अंडर IRDA एक्ट 1999, रिकमेंडेड बाय मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट. और क्योंकि मैंने आज वो हिमाचल वाले स्टूडेंट को डरा दिया था थोड़ा सा, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन स्पेशल दे देते हैं कि हेडक्वार्टर्स थैंक यू हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद. कौन सी स्टेट में हैदराबाद कौन सी स्टेट में है? ये जितने IPS के ख्वाब देख के बैठे हैं ना, गलत जगह की टिकट कट जाएगी तुम्हारी. IPS का ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद में, ये पता है. बाय द वे सारी सर्विसेज के ट्रेनिंग सेंटर्स दे आर मार्वलस अमेजिंग. जैसे IDS का पुणे में है, और ये मेन वाला तो आपको पता ही होगा, उसके तो देख चुके होंगे आप ब्लॉग्स वगैरह सारे, है ना, लाइफ इन लबासना, माय रूटीन इन लबासना, ये सब कुछ कर चुके होंगे, ले चुके होंगे फील कि मैं तो छा ही जाऊंगी, टॉप परफॉर्मर बन के निकलूंगी लबासना से. उससे पहले आपको हैदराबाद को तेलंगाना शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले प्री कंडीशन है. ब्रैकेट में लिख लो अर्लियर इन दिल्ली, 2001 में शिफ्ट हुआ था ये, पहले दिल्ली में हेडक्वार्टर था, अब तेलंगाना में हैदराबाद में है ये. इट्स अ 10 मेंबर बॉडी बाय द वे, ये भी लिख लो 10 मेंबर बॉडी, क्योंकि एक ही बार कर लेते हैं सारा, आप खुद से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, IRDA डन करो. 10 मेंबर बॉडी, और ऐसे डिवाइड कर लो तीन में उसको, कौन कौन से हैं, चेयरमैन, चेयरपर्सन, उन्होंने चेयरमैन लिखा हुआ है ठीक है, आई एम गिविंग यू चेयरपर्सन, चेयरमैन स्लैश चेयरपर्सन. नेक्स्ट वी हैव 5 होल टाइम मेंबर्स, होल टाइम या फुल टाइम, एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स ठीक है. और ऐसे करके आप साइड पे डाल लो यहां पे, ऑल अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, आपकी मॉडिफिकेशन, विड्रॉल, सस्पेंशन, आपकी इंश्योरेंस कंपनी की सारी इनके पास में है राइट. बच्चे इसके साथ में ना एक और जो टॉपिक एक्टिवेट होता है थोड़ा सा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसके अंदर, इज दैट कि एक टर्म होती है जिसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बोलते हैं, कि इंश्योरेंस कितने हद तक पेनिट्रेट हो चुकी है राइट. और उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं ना आपने, कि एक तो कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ने इंश्योरेंस ले रखी है, दूसरा हमारा कितना प्रीमियम जनरेट हो रहा है एज अ परसेंटेज टू GDP. तो 2 टर्म्स हैं, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया.
इससे आपको यही पता लगेगा कि हमारा इसमें ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। नापेंगे कैसे? ये तरीके। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, पेनिट्रेशन रेट इन 2021 वॉज 4.2% कंपेयर टू 4.2% इन 2021। ये 2022 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था बाय द वे। इन 2021 व्हेन क्या लिखा हमने स्टेट कंपेयर टू 2.7% इन 2000। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज मार्क्ड बाय टू पैरामीटर्स। अगेन इसको ऐसे दो पैरामीटर हैं तो थोड़ा सा बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना के करना आपको ताकि याद रहे। नंबर वन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इक्वल्स टू रेशो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, रेशो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू जीडीपी। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस डेंसिटी, रेशो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन। जो जीडीपी वाली रेशो है उसका डाटा अवेलेबल है, पॉपुलेशन वाले का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है, बट इंक्रीज ही हुआ होगा है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमने कंपलसरी करनी शुरू कर दी है, हमने फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, हमने किसानों को बीमा देना शुरू कर दिया है, राइट, विच इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है ना प्राइमरी सेक्टर, तो ये इंक्रीज ही हुआ होगा। ठीक है जी, इनफ। दो टाइप की कंपनीज है, हमने वो भी देख लिया इसमें। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट, दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान